So, this is Fredo from the study life. So, yesterday, so today we have started chapter number six Oliver finds our own. So, today we are starting from the third page. In the last part, we have uh, we have read it the second first and second page. So, today we are going to start from page number third. So, let's start. There is an extraordinary thing, Mr. Smelly he said. दैन मीन्स मिसटर मैली हैज सेड मीन्स जो मिसटर मैली थी उसने कहा मीन्स वो जो डॉक्टर था वो मिसिस मैली मिस मिसेज मैली के मिसिस मालिक को कहा कि वो बहुत एक अजीब सी चीज़ है ही इज नॉट इन डेंजर दी इज नॉट इन डेंजर आई होप द ऑलरेडी सेड फिर बाद में जो ओल्ड लेडी थी मीन्स टू लेडीज होती थी ना मीन्स एक ओल्ड लेडी थी और एक यंग गर्ल थी सो so, जो ओल्ड लेडी थी उसने ये कहा कि मैं आशा करती हूँगी कि वो डेंजर में नहीं होगा जो ओलिवर था वो डेंजर में नहीं होगा ना नेक्स्ट वन इज नो ही फिर बाद में जो डॉक्टर है वो कहते हैं नो no, नहीं ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू द डॉक्टर इनफॉर्म डेम फिर बाद में जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि नहीं ये जो ये जो है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मीन्स ये एक हफ्ते में मीन्स एक वीक में ठीक हो जाएगा या फिर टू वीक्स में ठीक हो जाएंगा देन ही आग स्टिम हैवियू सीन द थीफ फिर बाद में वो कहते हैं फिर बाद में वो जो, जो डॉक्टर होता है वो ये कहते हैं कि क्या मीन्स आप क्या देखते मीन्स हैवियू सीन दीफ कि आपने थीफ को देखा मीन जो चोर था ओलिवर को चोर कह रहे थे नो no. फिर बाद में जो मिस्टर स्मैली और जो मिसेस uh, चोर थे वो कहते हैं नो no, नहीं हैज एंड गनी थिंग अबाउट इट फिर बाद में oh, no, डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप क्या गिल्स ने आपको इसके बारे में कुछ बताया है फिर बाद में जो मिस्टर स्मैलीज और मिसेस रोज थे उन्हें कहा नो no, नहीं वोट यू लाइक टू सी हिम ही आई कम विद यू क्या आप उस ओलिवर मीन्स वो जो थीफ को आप देखना चाहते हो कि आप देखना चाहते हो मैं आपके साथ चले तो फिर वो डॉक्टर ये कहता है कि आप देखना चाहते हो उस थीफ को यस आई लाइक टू फिर वो जो है वो कहती मिसेस मैली कहती है कि हाँ मैं ज़रूर हाँ मैं ज़रूर देखना चाहती हूँ एंड आई एंड आई डिड एंड आई लाइक द एंड आई लाइक रोज टू कम एज वेल इफ़ शी विल फिर वो जो मिसेस मैली कहते हैं कि रोज़ भी हमारे साथ चले तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी फिर आ, कहा फिर डॉक्टर ने कहा हाँ इफ़ शी विल फिर डॉक्टर ने कहा हाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी आप चल सकते हैं रोज डॉक्टर ने ये कहा रोज़ को द डॉक्टर टुक द लेडीज अपस्टर्स टू गर्स गर्ल्स रूम फिर बाद में जो डॉक्टर था वो लेडीज़ को अपस्टर्स में मीन्स ऊपर लेके चला गया जहाँ पे गिल्स का रूम था ही पॉइंटेड टू वर्स फिर बाद में उसने जो डॉक्टर था उसने ये इशारा किया उसने बेड की तरफ ये इशारा किया देर लाइज दि विगड ठीफी सेड वो फिर जो डॉक्टर था उसने ऐसा हाथ से हाथ से करके स्टार्ट किया देखो देखो वो रहा वो शैतान थी वो शैतान चोर ऐसा डॉक्टर ने कहा द टू लेडीज जो दोनों लेडी थी और लेडी और जो यंकल थी उन दोनों ने देखा टू द एस्टोनिशमेंट दे सो अ चाइल्ड द फास्ट ए स्लीप फिर बाद में वो एकदम अच्छे से एकदम उसको देखने लगे लेकिन वो जो ओलिवर था मीन्स उनको पता नहीं था कि उसका नेम क्या ओलिवर वो ये बस वो यही सोचे थे कि वो थीफ है वो ये सोच रहे थे फिर बाद में जो वो दोनों लेडीज़ थे उसने उनकी चाइल्ड की तरफ देखा और वो जो चाइल्ड था मीन्स वो जो ऑलिवर था मीन्स उनके हिसाब से जो थी था वो सोया हुआ था आर मेरी चाइल्ड हिज फेस वॉश वाइट वो कह रहे थे कि ये तो बहुत एक यंग बॉय है मीन्स ये तो बहुत एक छोटा सा बच्चा है हिज फेस वॉश वाइट उसका जो फेस था वो पूरा वाइट था मीन्स उसका फेस मीन्स वाइट कलर का मैं आपको क्या ही बताऊँ वाइट वाइट मीन्स कलर हिज बाउंडेड आर्म लेस ज चेस्ट मीन्स उसका जो बाउंडेड आर्म था मीन्स उसका जो हाथ था वो एकदम उसके पट्टियों से बांध रखा था अक्रॉस उसके चेस्ट के पास से उसका जो हैंड था वो आर्म था उसको बाउंड किया गया था उसको उधर चोट लगी थी द लेडीज क्रेप सॉफ्टली टू हिज बेड फिर बाद में जो लेडीज थी वो एकदम सॉफ्ट से मीन्स एकदम धीरे से उस बेड पे बैठते हैं मिस रोज बेंट ओवर हिम फिर बाद में जो मिस रोज होती है वो उधर बेड पे बैठती है विद अ जेंटल हैंड शी ब्रश हिज हेयर शी ब्रश हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड फिर बाद में जो मिसेस रोज होती है उसके हालो उसके जो हेयर होते हैं उसको छूती है नीचे से ऊपर करती है द बॉय मूव्ड एंड स्माइल्ड इन हिज स्लीप एज ही फेल्ट हर काइंडनेस जो बॉय था मीन जैसे मिसेस ने ऐसे उसके हेयर है, को ऊपर किया तो फिर जो बॉय था मीन्स वो एकदम ऐसे मीन्स सोते सोते उसने एकदम स्माइल की जैसे उसको एकदम काइंडनेस लगी हो वट कैन दिस मीन मिसेस मैली आस्ट मिसेस मैली ने पूछा इसका मतलब क्या होगा दिस प्योर चाइल्ड इज नॉट thief ये जो प्योर मीन्स ये जो प्योर चाइल्ड था ये जो गरीब बच्चा था ये कोई थीफ नहीं है ही इज़ सो यंग रोज सेड विथ टीर्यर्स इनर आइस जो रोज के जो आँखों थे रोज के जो आइस थे उसमें टीयर्स निकल रहे थे मीन्स उससे आंसू निकल रहे थे फिर बाद में रोज ने कहा ये बहुत यंग है मीन्स ये बहुत छोटा है ये रोज ने कहा लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट रूम डॉक्टर लोजपन सेट टू द लेडीज पर बाद में जो डॉक्टर लोहसपन थे जो डॉक्टर थे उन्होंने इस लेडीज को कहा कि चलो अभी हम लोग नेक्स्ट रूम में चलते हैं दूसरे रूम में चलते हैं वी मस्ट कांट वी मस्ट नॉट वेक हिम अप हमें इस बच्चे को उठाना नहीं चाहिए नॉट लेट्स वीट द सेक्शन नंबर टू इन द नेक्स्ट रूम continued. Think how थिंक हाउ यंग ही इज़ has हैज़ नेवर नोन mother care. फिर बाद में जो में जब दूसरे रूम में गए जो मिसेस रोज थी हुए कंटिन्यू करने लगी उनकी बात को मिसेस रोज ने ये कहा कि वो कितना यंग है मीन्स वो कितना छोटा है मुझे लगता है कि उसने कभी उस मींस एक माँ की केयर नहीं समझी मींस उसको कभी उसकी माँ ही नहीं वो सोच रहे थे उसकी कभी माँ ही नहीं थी वो अनाथ था और जो ओलिवर था वो अनाथ ही था इसलिए वो अनाथ आश्रम में था हैज नेवर हैड अ होम और जो ओलिवर था वो ये सोचे थे शायद उसके पास कोई होम भी नहीं होगा मीन्स शायद उसके पास कोई घर भी नहीं होगा पुअर पुअर बॉय ओ आंटी डोंट लैक देम दिस बॉय टू प्रेजेंट फिर बाद में कहा गरीब गरीब बच्चा फिर बाद में मिसेस uh, रोज़ ने कहा कि ओ oh, आंटी जो मिसेस रोज़ थी मिसेस uh, रोस की जो मीन्स uh, जो मिसेस मैली थी मिसेस रोज उनकी आंटी लगती थी मिसेस जो रोज थी वो मिसेस मैली को आंटी बुलाती थी फिर बाद में मिसेस रोज ने कहा आंटी आप इस बच्चे को मिसेस बॉय को प्रिजन के हाथ में नहीं लगने देना मीन्स इसको जेल मत भिजवाने देना माय डियर सेड द ओल्ड लेडी डू यू थिंक दैट आई वुड हार्म वन हेयर ऑफ इस सेट फिर बाद में जो मिसेस मैल थी वो कहती है कि माई डियर मीन्स मेरी बच्ची मीन्स मेरी बच्ची ऑलरेडी कह रही थी कि मैं इस बच्चे को कुछ हार्म भी करूँगी वन ऑफ इस हेयर वुड हार्म वन ऑफ इज हेड मीन्स देट इज रिटन वुड कॉज द स्मॉलेस्ट हर्ट और इंजरी टू हिम इसका मतलब है कि वो एक छोटी सी भी छोटी जो भी चोट थी वो उसको आने नहीं देंगी मीन छोटी सी भी छोटी, छोटी कर्च उसको आने नहीं देंगी उस पोए को आई हैवेंट मच लॉन्गर टू लीव आ uh, मीन्स मैं जितनी देर भी जीऊँगी मीन जितनी ज़्यादा देर तक भी जीऊंगी मिसेस मैली कहने लगी आई मस्ट हेल्प ऑल आई कैन मीन जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ मीन जितनी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उतनी मैं करूँगी वट कैन आई डू टू हेल्प दिस बॉय डॉक्टर लॉसबैन फिर जो डॉक्टर आई मीन जो मिसेस मैली थी वो कह रही थी कि मैं इस बॉय की हेल्प कैसे कर सकती हूँ डॉक्टर लोसबैन मिसेस मैली डॉक्टर लोसपेन से पूछती है लेट मी थिंक जो डॉक्टर थे उनका नेम लॉज लॉसपन था तो फिर जो दो डॉक्टर और थे उन्होंने कहा लेट मी थिंक तो दो मिनट को मैं सोच मैं सोचता हूँ फिर बाद में जो काइंड हार्टेड डॉक्टर थे मीन जो डॉक्टर थे वो सोच के बताते हैं फॉर सम मोमेंट्स ही लुक थॉटफुल फिर बाद में वो कुछ देर के बाद वो इस बच्चे के मीन्स इस बच्चे को थॉटफुल समझते हैं मीन्स उस बच्चे का साथ देते हैं देन ही आस्क कैन वी टच दर्वेंट टू सी नथिंग अबाउट द बॉय फिर बाद में जो डॉक्टर हस्बैंड जो थे वो कहते थे कि क्या हम आपकी मीन जो आपके हाउस के जो सर्वेंट्स थे मीन जो नौकर वग, नौकर थे आपके हाउस के मेड थे वो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं मीन्स हम उन पर विश्वास कर सकते हैं टू से नथिंग अबाउट द बॉय मीन जब भी वो जो पुलिस आएंगे इस हाउस में कि वो इस बॉय के बारे में कुछ भी ना बताएं यस मिसेस मैली स्टोल्ड हिम जो मिसेस मैली थी जो ओल्ड लेडी थी मिसेज मैलमिन जो ओल्ड लेडी थी और मिसेज रोशमिन जो यंग गर्ल थी फिर बाद में जो मिसेस मैली थी उन्होंने कहा हाँ मिसेस मैली ने डॉक्टर लोशमिन को हाँ कहा दे डू एज आई टेल दम फिर बाद में मिसेज मैली ने डॉक्टर लोशमन को कहा कि जो मैं बताऊंगी वो वही वैसा ही करेंगे गुड साइड द डॉक्टर जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा हाँ गुड गुड मीन्स अच्छा डॉक्टर अच्छा, ने कहा गुड ठीक है मीन्स अच्छा बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हियर व्हाट द बॉय हैज़ टू से व्हेन ही अप फिर बाद में डॉक्टर पर ने कहा कि दो मीन्स पहले जब ये जो बॉय है लिवर जो ओलिवर जो ये इनके हिसाब से जो थीफ है जब ये उठेगा ये क्या कहेगा इफ़ ही फाइंड इफ वी फाइंड हिम इनोसेंट वी विल हेल्प हिम मीन्स हमें ये निर्दोष लगा तो फिर हम इसकी मदद करेंगे बट इफ़ वी फाइंड हिम दैट ही इज़ गलती देन वी मस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस डू यू पुलिस मीन्स फिर बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन ये गिल्टी होगा लेकिन हम लोगों को ये लगा कि गिल्टी होगा मीन्स ये निर्दोष नहीं होंगे ये मीन्स इसने चोरी की है इसने चोरी ही की है मीन्स इसने अपने मन से जाके खुद चोरी की है तो फिर हम इसको पुलिस के हाथों में दे देंगे डू यू एग्री तो बाद में जो डॉक्टर होस्पेंड थे उन्होंने पूछा कि आप एग्री हो मीन्स आप क्या मेरे साथ एग्री हो मीन्स आप इस बात से एग्री हो कि आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे इस बात में फिर बाद में नाउ टेल हियर वी विल रीड द पार्ट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय